And a BTR chief and UPPL president, Pramod Boro, today said that the Mahajot will not sail through in the elections. While talking exclusively to Northeast Live, Pramod Boro said that the Congress AIUDF-led Mahajot has no relevance as both the parties have no face value. Boro added that people are confused in choosing the Mahajot candidates. Pramod Boro also slammed AIUDF chief Badruddin Ajmal, and not only this, Pramod Boro also said that the Mahajot lacks leadership. The BTR chief also exuded confidence that the BJP, AGP, UPPL combined will form the next government. कि 17 साल के शासन में हग्रामा मोहिला ने बोडोलैंड को ध्वंस कर दिया, 40 विभाग में भ्रष्टाचार हुई है और इससे इसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आप सीधे हग्रामा मोहिलारी पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और हग्रामा मोहिलारी और बदरुद्दीन अजमल का जो अलायंस है उसको आप कैसे देख रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, ये जो महाजुट है, अलायंस है, इसमें कुछ बनने वाला नहीं है क्योंकि इनका कोई फेस वैल्यू नहीं है, इनका कोई फेस वैल्यू नहीं है। लोग कंफ्यूज है किसका मुंह देख के वोट डालेंगे। बदरुद्दीन तो एक व्यापारी है, वो पॉलिटिक्स तो करता नहीं है, वो बहुत जी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है, कुछ एमएलए मिल जाता है उसको लेके वो लोग व्यापार करता है। हग्रामा मोहिलारी जो है 17 साल में जो बोडोलैंड को इतना वो कोराफ्ट किया है, सिस्टम को इतना मतलब दहेज नहेज किया है, उसके साथ कोई नहीं जाएगा। फिर कांग्रेस में किसको देख के वोट डालेंगे? कांग्रेस में जितना भी लीडर है इसमें एक का भी फेस वैल्यू नहीं है, तो किसको लोग देख के वोट डालेंगे? वोट डालने के लिए महाजोट जो है इसमें कोई लीडर ही नहीं है, तो इसीलिए असम के जो लोग हैं, असम के जो नागरिक है, वो लोग तैयार किया है बीजेपी को भी वोट डालेंगे और मित्रजोट को वोट डालेंगे जहां एजीपी और हम यूपीपीएल लोग हैं। अभी यहाँ जो है बहुत फेस वैल्यू वाला लीडर भी है, सर्बानंद सोनोवाल जी, हिमंत बिश्व जी है, अतुल बोरा जी है, और उधर ऊपर जो है नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, तो लोग खुश है, जो भी हो रहा है उसको लेके खुश है। इसीलिए इस चुनाव में किसी ऑल्टरनेटिव नहीं देखेंगे, लोग डायरेक्टली बीजेपी को ही वोट डालेंगे। Meanwhile, Pramod Boro also launched a scathing attack on Hagrama Mohilari and termed him as an opportunist leader. हग्रामा मोहिलारी तो कह रहे हैं यहाँ पे जितने सीट है वो जितने वाले हैं यहाँ, खासकर बीटीएडी इलाके में। देखिए, हग्रामा का कोई वहाँ बात का कोई मायने नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं रहा। हग्रामा पहले से इसे जोक करते थे, अभी भी जोक करता है। जो आदमी पैसा के सिवा कुछ नहीं सोच सकते उससे क्या होगा? समाज को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, समाज को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उन्नति चाहिए, ये सारा हग्रामा नहीं करते। हग्रामा देखता है कहाँ पैसा है उधर ही वो छप्पा मारता है, जहाँ पैसा है उधर ही वो जाता है, जहाँ पावर है उधर ही जाता है। अगर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर ऐसा महसूस होता है उन्हें कि हम जिसको सपोर्ट करेंगे, मैं फ्यूचर की तो नहीं बता सकता, लेकिन उनका जो नेचर रहा है वो खुले तौर के बोलते हैं कि मेरा जिसमें फ़ायदा होगा मैं उस तरफ चला जाऊंगा, तो हो सकता है वो फिर आपका एनडीए में ज्वाइन करने की कोशिश करें। जो भी हो, हग्रामा जहां वहां मौका मिलेगा उधर ही वो चला जाएगा, उसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है। इसीलिए ये अपॉर्चुनिस्ट को लीडर करने से कोई और को लीडर कीजिए जो जनता का, जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम है वो समझ सकते हैं। All right, so the BTR chief and UPPL president Pramod Boro, who said today that Mahajot will not sail through in the elections, and he was talking exclusively to Northeast Live, where he said that the Congress AIUDF led Mahajot has no relevance as both the parties have no face value.